Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of UPSC CSET, today we will discuss direction sense. Direction sense logical reasoning का एक important topic है और इसमें से आपके exam के अंदर एक से दो questions आ जाते हैं. ओके और डायरेक्शन सेंस एक इजी कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है. अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए 5 नंबर आपके पक्के हैं. ओके सो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ बेस्ड ऑन डायरेक्शन सेंस. ओके अब डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन से पहले आपको डायरेक्शन का आइडिया होना सभी को जरूरी है. आई होप वैसे तो सभी को पता होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं कि हाँ जी अगर कोई डाउट है तो अपना क्लियर हो जाएगा, है ना. तो देखिए अगर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं देन दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ओके अगर हम बात करते हैं मिड डायरेक्शंस की देन दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज यस दिस इज साउथ वेस्ट. अगर इधर देखें दिस इज साउथ ईस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट. दीज आर द डायरेक्शंस. अब बात करते हैं कि जब डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो क्या होता है कि गिवन होता है कि एक पर्सन है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसके बाद उसने लेफ्ट में टर्न ले लिया, देन राइट टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया. मेन जाता है लेफ्ट और राइट टर्न, है ना. हर एक जगह क्या होगा, गिवन होगा आपके पास में लेफ्ट टर्न है, राइट टर्न है. तो थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर ईस्ट फेसिंग, अगर आप जा रहे हो ईस्ट फेस की तरफ, हमारा फेस किधर है, ईस्ट की तरफ है. इन दैट केस अगर मुझे लेफ्ट टर्न लेना है या फिर राइट टर्न लेना है तो देखिए अगर राइट टर्न लेना है दैट मीन्स दिस इज राइट. ओके अगर मैं कहती हूं कि लेफ्ट टर्न लेना है तो यहां से अगर लेफ्ट टर्न है तो लेफ्ट किधर जाएगा आपका, इधर जाएगा. सेम वे अगर आप वेस्ट फेसिंग हो इन दैट केस अगर कह रहे कि राइट टर्न लेना है तो राइट टर्न किधर जाएगा, यस दिस इज राइट टर्न. इसी तरह से अगर कहते हैं कि लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट टर्न किधर जाएगा, यस लेफ्ट टर्न जाएगा आपका डाउनवर्ड, दिस इज लेफ्ट. मीन्स व्हाट कि यहाँ पे देखिए आप कि डायरेक्शन का कितना फर्क पड़ रहा है. जब आप ईस्ट में हैं तो यहाँ पे अप जाना है लेफ्ट के लिए, बट अगर आप वेस्ट में हैं तो आपको अप जाएंगे हम राइट के लिए. क्लियर. तो इसी तरह से आपके पास में अगर डायरेक्शन है कि आप नॉर्थ फेसिंग हो, अगर हम कहां पे हैं नॉर्थ फेसिंग है तो नॉर्थ फेसिंग के केस के अंदर क्या करेंगे, यस दिस इज, अगर कह रहा है कि हाँ जी राइट जाना है ये राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है. बट अगर आप हाँ जी दिस इज नॉर्थ, यहां पे देखिए थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना किसी ने भी, यस ये देखो हम नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है और मैंने जाना है राइट के अंदर, तो जो आपके हैंड के अंदर आपको राइट दिखाई दे रहा है दैट इज राइट. ओके जो आपका लेफ्ट हैंड है दैट इज लेफ्ट. बट अगर आप साउथ फेसिंग है, अगर आप हो साउथ फेसिंग, ठीक है, तो उस केस के अंदर जब साउथ फेसिंग है और मुझे लेफ्ट या राइट जाना है, मेरा फेस किधर है, ऐसे साउथ फेसिंग है. अब मैं कहती हूँ मुझे लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट के लिए कहाँ जाएंगे हम, इस साइड हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये हो जाएगा आपका राइट. दैट मीन्स जो राइट है दैट विल बिकम लेफ्ट एंड लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. बस ये इतना सा है. अगर ये पॉइंट समझ आ गया तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो, सभी क्वेश्चन कर सकते हो आफ्टर ए लिटिल बिट प्रैक्टिस यू कैन से, ठीक है. प्रैक्टिस तो बेटा मस्ट है, यस प्रैक्टिस तो मस्ट है. ओके सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखिए आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा देखेंगे सभी साथ में. सभी ने डायग्राम जो डायरेक्शनल डायग्राम है वो ड्रॉ करना है, अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करनी है. ओके क्या है देखिए, इफ ए इज इन द साउथ ऑफ बी, ए कहाँ पे है, साउथ में. जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात आ रही है तो आपने सीधी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस का यूज करना है. तो क्या कह रहा है, ए इज इन द साउथ ऑफ बी, तो दैट मींस कि अगर ये बी है तो हमारे पास में ये ए है, यही कहा ना, ए इज इन द साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ए साउथ में है, दैट मींस कि ए नीचे आएगा. ओके उसके बाद कह रहा है साउथ ऑफ बी एंड सी इज इन द ईस्ट ऑफ बी, सी कहां पे है, ईस्ट में है, किसके, बी के में. ओके इन विच डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू सी, काफी इजी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिया है कि एक बार डायरेक्शन का आइडिया अच्छे से हो जाए आपको. क्या इन विच डायरेक्शन ए विद रिस्पेक्ट टू सी, तो ए इसके रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन के अंदर है. तो अब ए देखिए आप नीचे है साउथ वार्ड, तो क्या हो गया अपने पास, साउथ
और अगर इसके रेफरेंस में चेक करें तो किधर आ रहा है हमारे पास में, किधर आ रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, तो हम क्या कहेंगे साउथ वेस्ट. क्या आ गया आपके पास, साउथ वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर. हाँ जी, कोई माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को इसके अंदर, सभी को क्लियर है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी आपका चेंज होगा, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ. तो पहले ये देखो कि ये समझ आ गया सभी को, ये सभी को समझ आ गया. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, किसी कंसेप्ट में डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, यस, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 5 मीटर टुवर्ड साउथ. अब जब भी आप डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस करते हो तो ऐसा नहीं है कि पहले पूरे क्वेश्चंस को आप रीड करो, पूरे के पूरे क्वेश्चन को रीड करने के बाद में डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करो, नहीं, ऐसे नहीं करना. क्या करना है, जैसे जैसे गिवन है साथ साथ उसको ड्रॉ करते हुए चलो, साथ साथ उसको ड्रॉ करते हुए चलो. देखिए जैसे यहाँ पे ये क्या है, ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, किसी ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया एंड वॉक 5 मीटर साउथ, 5 मीटर साउथ की तरफ वो चला गया, ठीक है, एंड रीच एट पॉइंट बी, ही देन टर्न्स लेफ्ट. अब देखिए यहाँ पे वो साउथ फेसिंग है, साउथ में गया ना, उसके बाद में कह रहा है कि उसने कैसा टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न लिया है. जब साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट टर्न किधर जाएगा, इधर जाएगा. अब क्या कह रहा है, लेफ्ट टर्न एंड वॉक 8 मीटर, कितने मीटर चला है, 8 मीटर. तो जब भी ड्रॉ करते हैं ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो स्केल से तो हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, एटलीस्ट हम थोड़ा सा आइडिया से देख सकते हैं कि हाँ जी 5 अगर हमने इतना लिया है तो 8 हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ठीक है. एंड रीच एट पॉइंट सी, और वो कहाँ पहुंच गया, सी पॉइंट के ऊपर पहुंच गया. देन ही टेक ए राइट टर्न. अब जब वो सी पॉइंट पे पहुंच गया तो कह रहा है उसके बाद में उसने क्या किया, राइट टर्न लिया. अब देखिए, अब जब पर्सन इधर जा रहा है दैट मीन्स कि किस साइड फेस है उसका, यस, ही इज ईस्ट फेसिंग, और ईस्ट फेसिंग अगर वो है तो राइट किधर जाएगा, यही था ना, देखो अभी हमने किया था कि जब अगर ईस्ट फेसिंग है तो राइट किधर जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, तो डाउनवर्ड जाएगा, यही कह रहा है कि रीचेज एट ए पॉइंट सी एंड ही देन टेक ए राइट टर्न एंड वॉक 6 वो चला है, हाँ जी 6 चला है, तो कितना जाएगा यहाँ से, यहाँ से आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए, दिस इज 6, ओके. उसके बाद में कह रहा है कि 6 एंड वॉक्स 6 मीटर, ही टेक्स ए फाइनल राइट टर्न, और उसके बाद में उसने क्या किया है, राइट टर्न लिया. अब जब वो साउथ फेसिंग है तो राइट टर्न कैसे जाएगा, अपोजिट जाएगा अपने हैंड से, तो यहाँ से वो राइट टर्न लिया है, दैट मीन्स कि इधर चला गया आपके पास में, और क्या कह रहा है, ही टेक्स ए फाइनल राइट टर्न एंड वॉक 8 मीटर टू पॉइंट डी. यहाँ से कह रहा है कहाँ पे पहुंच गया, डी पॉइंट पे पहुंच गया, ये है डी पॉइंट, ठीक है. जब उसने 8 कहा है तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ तक 8 था, दैट मीन्स कि नीचे भी 8 यहाँ तक ही बनेगा आपका, ओके, दिस इज 8. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा. जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उस केस में थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, कि जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आपको डिस्टेंस कहा गया वहां तक उसको स्ट्रेट ऐड कर दिए, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है. जैसे अब यहाँ पे ही है, अगर मैं कहती हूँ कि सी से डी कह रहा है तो इसको ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, इससे हमारे पास में क्या मिलेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप हमें मिल जाएगी, ठीक है. एक तरह से मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप मैंने फाइंड आउट कर लेनी. अब उसमें देखिए कि आपके पास में जो जो डायरेक्शंस गिवन है, ठीक है, वो कितनी कितनी है, तो हमें पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस था ये कितना था, 6, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरे पास में कितना है, 8. अब जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल देखते हो और आपको ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यस, स्क्वायर ऑफ द साइड्स एंड देन उन दोनों को ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे. इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. क्या बोल रहे हैं हम उसको, पाइथागोरस थ्योरम बोल रहे हैं, ये ऐसे है, ठीक है. तो सी डी कैसे फाइंड आउट करोगे आप, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज 64 प्लस 36, दैट मीन्स 100 का स्क्वायर रूट, और 100 स्क्वायर रूट क्या आता है आपके पास में, 10. सो आंसर इज 10 मीटर. हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है. कह रहा है ए डायरेक्शनल पोस्ट इज इरेक्टेड ऑन ए क्रॉसिंग. एक क्रॉसिंग पे एक डायरेक्शनल पोस्ट लगाया हुआ है. In an accident, it was turned in such a way that the arrow which was first showing east is now showing
नॉर्थ, जो पहले ईस्ट दिखा रहा था वो अभी क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। अब देखिए, जैसे ये मेरे पास में डायरेक्शनल पोस्ट था, ये डायरेक्शनल पोस्ट था, ये था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। बट आफ्टर एक्सीडेंट क्या हो गया, जैसे कि ये ऐसे था, तो अब एक्सीडेंट की वजह से कैसे रोटेट हो गया, ऐसे रोटेट हो गया, तो सारे के सारे ही रोटेट होंगे, है ना। तो ये कह रहा है कि जो पहले आपको जहां पे, जो पहले हमारे पास में क्या था, ईस्ट, यही कह रहा है, इन एक्सीडेंट इट टर्न इन सच ए वे दैट द एरो व्हिच वाज फर्स्ट शोइंग ईस्ट, ईस्ट ये था, इज नाउ शोइंग नॉर्थ। ये क्या बन गया, अभी नॉर्थ बन गया। क्या कह रहा है कि अभी वो क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। दैट मींस कि ये जो नॉर्थ है, ये वाला टर्न होके ऐसे आ गया, नॉर्थ टर्न होके ऐसे आ गया। अब अगर ये इधर टर्न हुआ है, नॉर्थ इधर टर्न हुआ है, दैट मींस कि जो बाकी की डायरेक्शन से वो भी ऐसे 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 सारे के सारे मूव कर जाएंगे। ओके, तो दैट मींस बट कि ये यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, ईस्ट, ये ईस्ट यहाँ आ गया, तो हमारे पास में ये देखिए ईस्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो साउथ था वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो वेस्ट था वो यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है कि देखो, अगर मान लीजिए कोई भी है, मान लो ये इस तरह से कुछ था, ठीक है, इस तरह से कुछ था, अगर मान लो ये वाली डायरेक्शन, इसके अंदर ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तो ये ऐसे चेंज हो गया, तो सारी डायरेक्शन चेंज होंगी। तो ये देखो सारी की सारी डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई है। आई होप सभी को क्लियर है। हाँ जी, तो अब देखिए क्या है कि पासर बाय वेंट इन रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट इज ईस्ट, कह रहा कि वो ईस्ट है, उसको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है कि यहाँ पे ईस्ट है, तो वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। इन विच डायरेक्शन इज ही एक्चुअली ट्रेवलिंग नाउ, बट वो एक्चुअल में कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमें पता है कि ये जो डायरेक्शन है दिस इज साउथ डायरेक्शन, एक्चुअल में चल तो वो साउथ में रहा है, पर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ईस्ट में चल रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास में, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि कैसे मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पे देखो क्या है, ए सुवर्ण रेखा रिवर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है, एंड ऑन द वे इट टर्न लेफ्ट। देखो जब यहाँ पे वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, तो लेफ्ट के अंदर वो मूव करेगी, कह रहे कि वेस्ट टू ईस्ट एंड ऑन द वे टर्न लेफ्ट, लेफ्ट दैट मीन्स इधर टर्न किया उसने, ठीक है, एंड गोज इन ए क्वार्टर सर्कल अराउंड ए शिव टेम्पल। मान लीजिए यहाँ पे शिव टेम्पल है, तो इसकी वजह से वो क्या है, ऐसे डायरेक्टली जा नहीं पा रही। मान लीजिए ये अपने पास में एक शिव टेम्पल है, यहाँ पे ऐसे लेफ्ट के अंदर उसने मूव कर लिया था, तो कह रहा है कि इसकी वजह से उसको क्या करना पड़ा, शिव टेम्पल एंड देन टर्न एंड गोज क्वार्टर सर्कल। तो उसने ऐसे क्वार्टर सर्कल, देखो ये सर्कल तो पूरा होता है, क्वार्टर सर्कल दैट मीन्स ये हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसने क्वार्टर सर्कल से यहाँ से ऐसे कुछ कर गई। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, टर्न लेफ्ट इन द राइट एंगल। अब उसके बाद में जब वो यहाँ पे है, तो कह रहा है कि अब लेफ्ट टर्न किया उसने, अब जब इस डायरेक्शन में है तो लेफ्ट टर्न के लिए कहाँ पे जाएगी, ऐसे राइट एंगल, दैट मीन्स कि जैसे यहाँ से ऐसे मूव कर रही है वो, तो ऐसे मूव करेगी। पॉइंट इज क्लियर, क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फाइनली फ्लोइंग, रिवर कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो कौन से डायरेक्शन है ये, दिस इज नॉर्थ। ओके, तो नॉर्थ डायरेक्शन में वो मूव कर गई। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, आई होप सभी को क्लियर है। हाँ जी, सभी को क्लियर है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे ऐसे वो लेफ्ट जा रही है, ऐसे लेफ्ट जा रही, जैसे उसको वो मिला तो वहां से वो ऐसे थोड़ा सा रोटेट होगी, ठीक है ना, ऐसे रोटेट होगी, सिर्फ इतना हाँ उसने हिस्सा कवर किया। ये जैसे मान लीजिए पूरा है, ठीक है, तो क्वार्टर इतना उसने कवर कर लिया, ठीक है ना, और उसके बाद में ऐसे चलेगी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, एक पर्सन ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है एंड वॉक 10 मीटर इन द साउथ डायरेक्शन। मान लीजिए दिस इज द ए पॉइंट, ओके, एंड 10 चला गया वो साउथ के अंदर। नाउ ही टेक ए लेफ्ट टर्न, देखिए जब साउथ मूव कर रहा है ऐसे,
है ना, तो लेफ्ट टर्न किधर जाएगा, इधर या इधर, मींस कि जहां आपका लेफ्ट हैंड है उसके अपोजिट जाएगा, ठीक है। तो इसने यही कहा, नाउ ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 8 मीटर बिफोर टर्निंग लेफ्ट अगेन। 8 चला, दिस इज 10, दिस इज 8, और उसके बाद में उसने क्या किया, बिफोर टर्निंग लेफ्ट अगेन, दैट मीन्स कि फिर वो लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर मूव कर गया ऐसे, ठीक है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट ही वॉक 16 मीटर, 16 मीटर चला एंड टेक्स ए राइट टर्न, जब नॉर्थ फेसिंग है तो राइट टर्न किधर जाएगा, जिधर अपना राइट हैंड है, एंड ही वॉक 4 मीटर, 4 मीटर चला, 4 मीटर एंड टेक ए राइट टर्न अगेन, फिर दोबारा से उसने क्या किया, राइट टर्न ले लिया। राइट टर्न क्या है, ईस्ट फेसिंग है राइट टर्न, दैट मीन्स कि डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। राइट टर्न अगेन, नेक्स्ट ही टर्न, ये 16 है, उसके बाद ये 4 है, और उसने राइट टर्न ले लिया है। ही स्टॉप्स आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर, 10 मीटर के बाद स्टॉप कर गया, राइट टर्न लिया, नीचे आया और यहाँ पे वो स्टॉप कर गया है 10 चलने के बाद में, डन। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था कहीं पे, ठीक है, और ये यहाँ पे उसको ये हो गया, डन। अब उसने बाद में है क्वेश्चन आपके पास में, देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, ए पॉइंट से उसका डिस्टेंस बताइए, ए पॉइंट से उसका डिस्टेंस बताना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ए पॉइंट कहाँ पे है, ये है। जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ऐसे स्ट्रेट उसको मिला देंगे, और साथ में मैंने क्या बताया, पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए, तो यहां से इसका राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया। अब देखो कि जो डायरेक्शंस हैं गिवन है अपने पास में, तो उसके अंदर ये क्या होता है, जो वर्टिकल लाइन बनती है अपने पास में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और एक आपके पास में ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस हाइट, एंड ये क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो पहले ये कैलकुलेट करो कि ये कितनी कितनी है, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है, जितना यहाँ तक का, दैट मीन्स कि ये 8 है, और ये यहाँ से यहाँ तक 4, दैट मीन्स कि ये जो कंप्लीट है यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, दिस इज 12, दिस इज 12, ओके। अब हम बात करते हैं इस डिस्टेंस की, तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 10, दैट मीन्स कि ये कितना है, 10, ये 10 है, तो ये कितना है आपके पास में, 6, अगर ये 6 है, ये पूरे का पूरा 10 है, ये इतना 6 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 है, दैट मीन्स कि ये कितना रह गया हमारे पास, 4, ओके, क्लियर। तो ये मुझे डिस्टेंसेस पता चल गए। अब मैं ये जो स्टार्टिंग पॉइंट से अपने पास में जो एंडिंग पॉइंट है उससे ए तक का अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करूंगी, यस, स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, उसका स्क्वायर रूट, ओके। दिस इज 144 प्लस 16, कितना आ गया आपके पास में, हाँ जी, ये हो गया आपके पास 44 एंड 60, दिस इज 160, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 16 इंटू 10, 16 का स्क्वायर रूट सभी को पता है कितना हो गया, 4, एंड 10 का तो स्क्वायर रूट अभी हम पूरा निकाल नहीं पाएंगे, तो ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएगा। सो आंसर क्या आ गया, 4 रूट 10 किलोमीटर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट किसी को, कोई भी माइनर सा डाउट, देखो एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे यहाँ से चला वो, उसके बाद साउथ डायरेक्शन नीचे आ गया, उसके बाद कह रहा है कि लेफ्ट टर्न लिया, जब साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट टर्न इधर जाएगा, उसके बाद में क्या कह रहा है, वॉक 8 बिफोर टेकिंग लेफ्ट टर्न, दैट मीन्स कि यहाँ से उसने अगेन लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न दैट मीन्स कि अप जाएगा, और कितना चला है यहाँ से 16, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो पूरा कितना है हमारे पास, 16 है, यहाँ तक 10 है, तो ये पूरे का पूरा ये अपने पास में कितना बच गया, 6, ओके। नाउ ही वॉक 4 मीटर, ये 4 चला है यहाँ से राइट टर्न लेने के बाद में, और फिर उसने राइट टर्न लिया है, और 10 के बाद में वो स्टॉप हो गया। अब ये 6 है, ये पूरा 10 है, तो ये 6 है, तो ये कितना बचा हमारे पास, 4, पाइथागोरस लगाएंगे, कितना आ गया आपके पास में, 4 रूट 10, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड साउथ नॉर्थ एंड ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्ड 40 मीटर। यहाँ पे है, मान लीजिए दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां से क्या कह रहा है कि 40 मीटर नॉर्थ में चला है, दिस इज 40 नॉर्थ के अंदर, दैट मींस कि अभी वो नॉर्थ फेसिंग है, जब नॉर्थ फेसिंग है तो क्या कह रहा है, ही टर्न देन ही टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर,
जब हम नॉर्थ फेसिंग है तो नॉर्थ किधर जाएगा, इधर आ गया, दिस इज नॉर्थ है, नॉर्थ फेसिंग है, और उसने क्या कहा लेफ्ट में टर्न करना है, तो लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, तो ये क्या हो गया उसका लेफ्ट के अंदर 40 चल दिया वो। देन ही टर्न हिज लेफ्ट, और फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, जब वो इधर जाएगा तो क्या हो गया वेस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, और जब वो लेफ्ट टर्न लेगा दैट मीन डाउनवर्ड चलेगा, डाउनवर्ड चलेगा, एंड वॉक्ड 15, और यहां से वो 15 चल दिया, दिस इज 15, ओके। ही फाइनली टर्न टू हिज राइट, जब वो साउथ फेसिंग है और वो कह रहा है कि क्या किया उसने राइट टर्न लिया है, एंड वॉक्ड 20, और यहां से कितना चला वो 20 चल दिया, यहां पे पहुंच गया, यहां पे कहीं पे पहुंच गया, ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस He is from starting point and in which direction? कह रहा है कि यहाँ से जो starting point है उससे कौन सी direction के अंदर है और कितने distance पे? आप distance जब आपको find out करना है तो अभी मैंने आपको तरीका बताया, करना क्या है? Starting point से इसको ऐसे match कर दो, ठीक है? Right angle का triangle बनाना है, ये right angle triangle बन गया। अब इसका distance देखो कि कितना बन रहा है। अगर मैं distance देखूँ तो ये यहाँ पे कितना चला था? Yes, this is 20. 20 ये, और ये कितना था हमारे पास में 40, दैट मींस कि अगर मैं इस पूरे कंप्लीट की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास में 60, मींस यहां से अगर मैं कहती हूं कि दिस इज अ पॉइंट x, तो e x का डिस्टेंस कितना है आपके पास में 60, ओके। अब इस डिस्टेंस की बात करते हैं, ये डिस्टेंस देखो, ये पूरे का पूरा कितना था 40, ये कितना है 15, दैट मींस कि ये कितना बच गया 25, ओके। आगे आपके पास व्हाट, अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं ES का डिस्टेंस फाइंड आउट करूं तो कितना आएगा, दिस इज 60 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, 60 स्क्वायर दैट मींस 3600 एंड 25 स्क्वायर दैट मींस 625, वैल्यू कितनी आ गई, दैट मींस 65, ओके। कितना बन गया आपके पास में, दिस इज 65, सो आंसर आ गया आपके पास में 65। अब बट 65 तो दो ऑप्शंस में आ रहा है, दैट मींस कि मुझे क्या देखना है, डायरेक्शन भी चेक करनी है। डायरेक्शन अगर मैं चेक करूं तो यहां पे देखो ये जो एंडिंग पॉइंट है इसके रेफरेंस में चेक करें तो अप है, दैट मींस कि नॉर्थ जाएगा, और इधर क्या होती है वेस्ट होती है, दैट मींस क्या है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, एंड दिस इज ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी यहां पे आपका करेक्ट रहेगा, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन काफी इजी क्वेश्चन है ये, बट आपका कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर होना चाहिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्या है, मनी एंड विजय, विनय, देयर आर टू ब्रदर्स, विनय आर टू ब्रदर्स हु आर फेसिंग ईच अदर, ऐसे एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े, शैडो ऑफ मनी फॉल्स लेफ्ट साइड ऑफ विनय, कह रहे जो शेडो है वो लेफ्ट साइड में पड़ रही है विनय के, सो इन विच डायरेक्शन मनी इज फेसिंग, मनी का फेस बताओ कौन से डायरेक्शन के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि ये मनी है या फिर ये मनी है, या फिर ये विनय है या ये विनय है। अगर हम बात करते शेडो की, छोटा सा कंसेप्ट है, सभी ध्यान से समझेंगे, शेडो, हाँ जी, शेडो सन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है हमेशा, ऑलवेज कहां पे जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में हमें पता है कि सन किधर होता है, ईस्ट में, तो शेडो कहां जाएगी, यस, शेडो कहां जाएगी, वेस्ट में। एंड इफ इट इज इवनिंग टाइम, देन हमें पता है कि सन किधर जाता है, वेस्ट के अंदर, तो शेडो किधर जाएगी, ईस्ट के अंदर। हाँ जी, अब बताइए आंसर, हाँ जी अभी आंसर करेंगे सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा से रीड करते हैं, ठीक है, क्या है, मनी एंड विनय आर टू ब्रदर्स, दो भाई हैं, हु आर फेसिंग ईच अदर, ठीक है, शेडो ऑफ मनी फॉल्स लेफ्ट साइड ऑफ द विनय, विनय की लेफ्ट में है, ठीक है, देन सो इन विच डायरेक्शन मनी इज फेसिंग, तो मनी कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे यही नहीं पता कि शेडो किधर जाएगी, शेडो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी गिवन नहीं है कि मॉर्निंग टाइम है या फिर इवनिंग टाइम है। जब मॉर्निंग इवनिंग ही नहीं गिवन है तो हमें कैसे पता चलेगा, ओके। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके पास,
कांट बी डिटरमाइन, क्या हो गया कांट बी डिटरमाइन. ओके यस नेक्स्ट देखिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर. क्या है वन मॉर्निंग मनीष एंड अनु, यहाँ पे क्या गिवन आपके पास में मॉर्निंग, दैट मीन्स कि आंसर निकलेगा. ठीक है क्या है मनीष एंड अनु आर टॉकिंग टू ईच अदर फेसिंग ईच अदर. ठीक है बात कर रहे दोनों के दोनों. इफ अनु शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ मनीष विच डायरेक्शन वाज मनीष फेसिंग. अब उसने कहा है कि जो डायरेक्ट शेडो है शेडो किधर जा रही है लेफ्ट में जा रही है और मॉर्निंग का टाइम है. मॉर्निंग का टाइम है तो मुझे पता है कि इधर होएगा सन और इधर होगी शेडो. ओके दैट मींस कि शेडो कहाँ पे है यहाँ पे है. ओके तो ये कह रहा है कि कहाँ पे, अब ये देखो उसने क्या कहा कि लेफ्ट में है. अब ये किसका लेफ्ट है, इसका लेफ्ट है इसका. जो पर्सन साउथ फेसिंग है, जो पर्सन साउथ फेसिंग है उसका लेफ्ट किधर होगा इधर होगा. ठीक है और जो पर्सन नॉर्थ फेसिंग है उसका लेफ्ट किधर जाएगा इधर जाएगा. ओके और ये क्या कह रहा है लेफ्ट ऑफ मनीष, दैट मीन्स कि ये कौन है मनीष है और ये कौन है अनु है. देन क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन मनीष फेसिंग, तो मनीष का फेस किधर जा रहा है नॉर्थ में है. ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास नॉर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, क्या रहेगा नॉर्थ. ओके कोई डाउट किसी को, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है काव्या रन्स 8 किलोमीटर टू साउथ एंड देन टर्न टू हर लेफ्ट. काव्या साउथ के अंदर गई है 8 किलोमीटर. ओके यहाँ पे मान लीजिए ठीक है दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड वो साउथ में चली गई 8. देन शी टर्न टू हर लेफ्ट. अब लेफ्ट टर्न किधर जाएगा, जब साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट टर्न किधर जाएगा इधर एंड वॉक 15 किलोमीटर. 15 किलोमीटर गई है, जब यहाँ से 15 किलोमीटर यहाँ पे आ गया. शी टर्न टू द हर राइट, यहाँ से उसने कहाँ लेना है राइट टर्न लेना है. अब बताइए राइट टर्न कहाँ जाएगी, डाउन या अप. हाँ जी डाउन या अप, ऑब्वियसली जब ईस्ट फेसिंग है तो डाउन जाएगी. डाउन जाएगी तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर राइट एंड रन 12 किलोमीटर अगेन. She turned to her right, यहाँ से फिर right turn लिया, right turn लेगी, that means कि इधर आ गई and runs 15 किलोमीटर. 15 that means कि पूरा ये 15 है तो ये भी पूरा कितना हो गया हमारे पास 15 and stopped here. How far and in which direction she is from the starting point? कह रहे starting point से वो कितनी दूरी पे है. अब ये था starting point, अभी वो है यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो जब भी डायरेक्शन डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है तो क्या करना है उसको स्ट्रेट मिला देना है. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे चाहिए तो ये मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 है. तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया आपके पास में, हाँ जी 20. सो क्या आ गया आपके पास में 20 और डायरेक्शन भी बतानी है तो कौन सी डायरेक्शन में, ये साउथ में है तो क्या आ जाएगा आपके पास 20 किलोमीटर साउथ. ओके अगर कुछ समझ आ रहा है तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में. हाँ जी कुछ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो सभी लाइक और शेयर जरूर करेंगे. अगर कोई डाउट आ रहा है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन, ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट इन ईस्ट डायरेक्शन. ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट किया है, ही वॉक्स 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ 10 चल दिया, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और ईस्ट डायरेक्शन में 10 चल दिया. देन टेक्स ए राइट टर्न एंड ही वॉक्स 5 मीटर. 5 मीटर यहाँ तक चलने के बाद में 5 मीटर यहाँ पे आ गया. ठीक है एंड देन टेक ए राइट टर्न. अब यहाँ से जब साउथ फेसिंग है तो राइट टर्न लेगा तो किधर जाएगा इधर एंड टेक 3, दिस इज 3 यहाँ पहुँच गया. एंड टेक ए लेफ्ट टर्न, जब इधर फेस है और लेफ्ट टर्न ले रहा है दैट मीन्स कहाँ जाएगा डाउनवर्ड एंड वॉक 6 मीटर. लेफ्ट टर्न, नाउ ही वॉक 6 मीटर, 6 मीटर चल दिया. एंड टेक ए राइट टर्न, अगेन राइट टर्न लेना है एंड ही फाइनली स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 8 के बाद में स्टॉप हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ तक चला 8 और यहाँ पे स्टॉप कर गया. क्लियर, हाँ जी.
अब उसके बाद में क्या है आपके पास क्वेश्चन, एंड इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एंडिंग पॉइंट, यार ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स कि नॉर्थ की साइड में, और इधर क्या है आपके पास में ईस्ट है, तो किधर आएगा आपके पास में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। देखो ना ये हो गया 8 and 3 11, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे 1 का डिस्टेंस है, ठीक है ना, और ये 10 है, दैट मीन्स कि क्या हो गया आपके पास में नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी, इस तरह से ये देखो ऐसे, ठीक है, ये 10 है, ठीक है, ये 3 है, ये अगर 8 है दैट मीन्स कि ये 1 है और ये 7 है, तो ये ऐसे बनेगा। ओके, कोई डाउट किसी को, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो? सी सेट के अंदर डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम के अंदर, तो डायरेक्शन सेंस सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सी सेट, सी सेट, क्योंकि बाद में सभी का फोकस सारा का सारा स्ट्रेस जीएस का आ जाता है, अभी इतना स्ट्रेस नहीं है, तो अभी आप सी सेट पे फोकस कर सकते हो। एंड सी सेट इज द फर्स्ट स्टेप, जब आपका सी सेट क्वालिफाई होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो सी सेट को किसी ने इग्नोर नहीं करना है, सी सेट सभी ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए अभी पीडीएफ आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स भी लेके आया है 2023 या जो स्टूडेंट 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सी सेट अपना पहले ही तैयार करके साइड में रख लो कि हाँ सी सेट मेरा तैयार है, और एग्जाम के टाइम पे जस्ट रिवीजन करके हम चले जाएंगे। ओके, तो उसके लिए अभी पीडीएफ आप लोगों के लिए एक कंप्लीट कोर्स लेके आया है सी सेट का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और अभी उसका 3 days ट्रायल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, 3 days का फ्री ट्रायल है। जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को फॉलो करिए, वहाँ पे आप इसके डेमो लेक्चर्स भी चेक कर सकते हो। दिस इज़ ए लाइव कोर्स, ओके, लाइव कोर्स है, डेमो लेक्चर्स आप लगा सकते हो। इसके अलावा हर एक लेक्चर के साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स है, साथ में आपको माइक्रो टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच।